आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग अपने मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करते हैं, और आज हम ये जानेंगे कि आपने देखा होगा, जानता है ब्रदर लोग मेरा पास है ना, तो ये आपने देख लिया कि ये वीडियो है और उसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। तो वीडियो तो चल रहा होता है मगर ये बिल्कुल साकित रहता है, इसमें कोई हरकत नहीं होती है। तो ऐसा ये वाला कवर वीडियो पर कैसे लगाते हैं, आज हम यही जानेंगे, क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने कहा है कि ये वीडियो पर कैसे लगाते हैं ये बताइए। तो आज उन्हीं के इस फरमाइश पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, और आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अपने किसी भी वीडियो पर कवर लगाकर उस पर लिखते कैसे हैं। आप अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। तो आइए अपना काम शुरू करते हैं, और कैसे वीडियो पर कवर लगाना है लिखा हुआ वह हम जानते हैं। तो इसके लिए पहले मैं बता दूं अपनी गैलरी में चल के कि मेरे पास ये वीडियो है। थोड़ा चला, अब तुम्हें क्या बताऊं यार, इस पर मैं कवर लगाऊंगा। तो ये आपने देख लिया है, ये 31 सेकंड का ये वीडियो है। तो कवर लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पिक्सल लैब में जाना है। पिक्सल लैब ओपन करें, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है आप चाहें तो इसे डिलीट कर दें और यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ आकर आपको साइज़ यहाँ पर 21:21 कर देना है, और यहाँ पर 3000 कर दें, और उसके बाद इस पर आपको लिखना है, पहले इसका कलर चाहें तो चेंज कर दें, इसका कलर मैं वाइट कर देता हूं और ओके कर दें। उसके बाद अब आपको यहां पर लिखना है जो कुछ लिखना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के हिसाब से लिख देता हूं, एक लिखकर उसके बाद साइज़ बढ़ा के आपको फॉन्ट पे आना है और फॉन्ट चेंज कर दीजिए। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी जैसा चाहे। तो ये एक हो गया, अब इसका कलर भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, मैं ब्लैक कर देता हूँ, और उसके बाद आगे लिखने के लिए इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ तालिब, और उसके बाद यहाँ रख देता हूँ, इसी को कॉपी करके फिर आगे लिखता हूँ, एक तालिबे इल्म, का दर्द, इसे दूसरा कलर आप चाहें तो दे सकते हैं, मैं रेड कर देता हूँ। अगर चाहें तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसा चाहें वैसा। ये हो गया, अब आपको इमोजी वगैरह लगाना हो तो वो भी आप गैलरी से ले सकते हैं, पहले से डाउनलोड रखेंगे तो गैलरी में होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, जैसे यहाँ है, आप इस तरह डाउनलोड करके रखेंगे तो आ जाएगा। और भी चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं, वहीं से जाना है और गैलरी से ले लेना। दो तीन लगाना हो तो इस तरह कर दें, फिर कॉपी कर लें, चाहे तो इस तरह कर दें, और फिर कॉपी कर लें, और इस तरह तीन
इमोजी आप लगा लें। और देखने बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं हो। तो अब आपको इसे, ये देखें बिल्कुल फिट है, कोई कमी नहीं है, तब इसे सेव कर लें। यहाँ जाएं और सेव पे जाके यहाँ पे अल्ट्रा कर दें, कस्टम पे टच करेंगे, अल्ट्रा आएगा, उस पे टच करके सेव टू गैलरी कर दें। ये सब कर लेने के बाद अब आपको आना है अपने एडिटिंग ऐप में। तो मैं कैन मास्टर यूज़ करता हूँ, मैं उसमें जाता हूँ। ये देखें कैन मास्टर है, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ आपको इस पर टच करना है। टच करने के बाद यहाँ देखें कौन सा फ्रेम आप यूज़ करना चाहते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो मैं ये वाला फ्रेम यूज़ करूँगा। यहाँ आने के बाद आपको वो वीडियो सेलेक्ट करना है जिस पे आप कवर लगाना चाहते हैं। तो देखें यहाँ है ये वीडियो, इसे मैं, ये देखें कहीं भी नहीं है, कवर नहीं है। अब इस पे कवर लगाना है। जब यहाँ आपका ये वीडियो आ चुका है तो अब आपको इस लेयर पे टच करना है और सबसे ऊपर वाले पे टच करना है और उसके बाद पिक्सल लैब से जो पोस्ट बनाया गया उसे ले लेना। ये देखें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, क्योंकि ये डाला गया है तो इसके हिसाब से यहाँ पर रखना है। इसको बड़ा कर दें और इस तरह, वक्त ज़्यादा ना लगे इस वजह से हमने इसमें ज़्यादा जो है डिज़ाइन वगैरह नहीं दिया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है। पिक्सल लैब में जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये हो जाने के बाद ये इतना बड़ा है तो इसको खींच के पूरा पूरे वीडियो तक कर देना। जितना बड़ा वीडियो हो उतना ही बड़ा इसे भी कर देना। और जब बिल्कुल फिट हो जाए, जब कोई कमी नहीं हो, तो अब आपको यहाँ जाकर आपको इसे सेव कर लेना है। तो इसे सेव कर लें। अब ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ से, काइन मास्टर से। ये देखें ये डाउनलोड हो चुका है। अभी इसे मैं ओपन करके देख लेता हूँ वीडियो का क्या हाल है। इस पर टच करें या कोई ऐप हो तो उस पर, उसका ओके करें। अब तुम्हें क्या बताऊँ यार, जब मैं गांव में पढ़ता था तो सलसला, और जब गांव से बाहर मदरसे में पढ़ने गया तो डेंगू आ गया। और अब जबकि मैं दौरे हदीस में पहुंचा हूं, कोरोना आ गया। अब तो लगता है शादी तक दज्जाल भी आ जाएगा। तो इस तरह आप भी अपने वीडियो में ऐसा कवर लगा सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कोई कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।